बड़े बड़े योगी लोग भगवान के भक्ति को करके नियम कानून को तोड़ देते हैं, तो भगवान इनकी भक्ति हो रहे उसके भक्ति का सामर्थ्य होता है। जब कृष्ण ने ऐसा कुछ किया तो कहाँ है दोष, कहाँ बंधन है? लघुत्व मात्र जल प्रोक्तम तत्व प्राकृत नायके न कृष्ण व्रत निष्जातम अस्वाद अर्थम अवतारिणी वंशा कल्प त्रुभ्य कृपा सिंधु। श्री लक्ष्मी नारायण जी पंडित जी पधारे हैं, आज्ञा हुई है पूरी तरीके से आदमी दस पांडव कोई अनंत जमीन की रात उस लोग से खड़ी हो रहा है।
सोची बहुत दिन से जिसको नहीं दिया गया है वो चीज में जिसको देने के लिए राजमार्ग के भक्ति लोग बोलते प्रचारण ने कह रखा राजमार्ग के भक्ति लोग कैसे प्रचारण कोई जीव अगर बंजे रह जाते तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। महाप्रभु आकाश दारे तारे कवि साहि दाने स्थान स्थान महाप्रभु दाता शिरोमणि इसको महाप्रभु वंचित नहीं किया है। तो राजमार्ग के भक्ति लोग राजमार्ग का भक्त कौन है? राजमार्ग का भक्त श्रीमद जी ब्रजदेवी ये राजमार्ग का भक्त है। अनुराग में भक्ति करना जिसमें कोई लेन देन का व्यवहार नहीं है, अनुराग कृष्ण को भजन करना कृष्ण को सेवा करना है जिसका स्वभाव है उनसे कुछ हमें मिलेंगे ये बात नहीं है। मोहन्ना विदर सुन्नम ज्ञान कर्मा गुणात्मकम आनुकूल्य में कृष्णा कितना भक्ति का लक्षण नाम बताया। और गोस्वामी जी कोई संप्रदाय का आचार तो नहीं कही जाए हमारी भोग संप्रदाय का आचार तो मुझे है ये नहीं कही सभी संप्रदाय का आचार है ग्रंथ लिखा है प्रतिभादारी ये सब ग्रंथ सभी के लिए लिखा है सभी जीव के लिए सबके कल्याण के लिए लिखा है हमारी व्यक्तिगत संप्रदाय के लिए नहीं है। संप्रदाय के व्यवहार का आजकल चलता है पीछे पहले वाले लोग संप्रदाय का विचार नहीं था सभी लोग भजन करते थे एक प्राण एक मन होता के भजन करते थे। तो कहने का मतलब है वहां कहा है हमारे सिद्धांत हो गया सिद्धांत है आराध्य भगवान जब हमें मिलेंगे तो कैसे हो गया कमाने
निर्जन देवी वैकुंठा वृंदा विश्वरी मैं कैसे गोपी का अनुगत शिकार करने के लिए मिलना आसान होगा क्यों आप गोपी का अनुभव में भजन नहीं किया राज दर्शन कैसे वो हरण रेखा चिन्ह में आप हृदय में हमारे साथ हृदय में रहोगे द्वारका लीला में ब्राह्मण का लड़के होता था मरता था बचा था अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया आपके लड़के को मैं बता दूंगा अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था परंतु अर्जुन बचा नहीं सका क्योंकि तो वो अग्नि में आहुति देने का निर्णय किया था और अग्नि जाया श्री कृष्ण आए क्या बात चलो रावण पुत्र कहा जाएंगे तो महाकाल चलेंगे तारना तो चले भगवान जहाँ तारण समुद्र वह चले गए भगवान वहां जाकर देखा कि ब्राह्मण का क्षय लड़का बैठा महाराज इसको कैसे जाएंगे तुम्हारे दोनों को नरनारायण को दर्शन करने के लिए तुम लोग को बुलाया ब्राह्मण लड़के को ले आने बोले हमारी बात करीजा बोले हमारे स्थान पर कैसे देखिए भगवान नारायण का भी कृष्ण रूप दर्शन करने का अभिलाषा श्री कृष्ण में चार गुण अधिक है तनु माधुर्य मिला माधुर्य माधुर्य गुण माधुर्य गुण माधुर्य क्या मनोवियम जनकार पूरम के गुण माधुर्य उतना राक्षसी विधिरासना विष ले आई थी परंतु भगवान को मातृ बनी दशदा जी के जगह पर बिठा दी गुरु महिमा और रूप महिमा के लड़की जी आकृष्ट हो गई और धनु माधुर्य धनु माधुर्य किसी भगवत अवतार नहीं देंगे और रूप माधुर्य गुण माधुर्य विधुमा से लीला माधुर्य ये महाराज लीला जो है ये श्री कृष्ण भी संभव हुआ है और किसी स्वरूप में संभव नहीं हुआ है इसीलिए श्री कृष्ण का महत्व जो है सर्वोपरि इसीलिए कृष्ण भजन का जो तथ्य है किस प्रकार कृष्ण भजन के वो कविराज ने कह रखा है कोई पूर्ण कृष्ण का विशेष प्रभाव कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है कृष्ण प्राप्ति तारतम बहुत बात है कृष्ण प्राप्ति का तारतम बहुत परंतु गोपी गोपी के अनुरूप में के भाव में ही भक्ति इसके द्वारा ही इसके द्वारा ही भगवान पाद की पूर्णोत्सव पूर्णोत्सव कैसे ब्रिज में कृष्ण प्राप्त होना चाहिए दूसरे देश में कृष्ण प्राप्ति का सार्थकता नहीं है ब्रिज में कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी चार वर्ष है राष्ट्र से कबा संलग उसने मधुराज के अनुगत में जो भजन अनुराग में जो भजन है गोपी के अनुगत ही भजन के द्वारा निकुंज भी ये बंदरी स्वरूप में भगवत श्री कृष्ण को प्राप्ति करने का राधा उपासना करने का विवाह करने का उपाय जो प्राप्त हुआ है वही भगवत प्राप्ति का पूर्णत्व के मत में ही कहा है सुग्रादीक्षा मत यही है कि भगवत प्राप्ति का पूर्णत्व जब ही होगी राधा रानी जी का अनुगत वही ब्रजगोपी का अनुगत वही राधा का मार्ग का भक्ति है वो भक्ति के द्वारा ब्रज में निकुंज में राधा कृष्ण प्राप्ति करना ही ये जन्म मनोभिष्टी कृष्ण तत्वात्मक
के पीछे ने भी आपने श्रवण किया और आप कल भी पधारेंगे, ऐसा भी ज्ञात हुआ। समय कम है, श्री रूप गोस्वामी जी का मैं संक्षेप में स्मरण कर लेता हूं और वो इस प्रकार से सर्वप्रथम तो जिनकी कृपा से आज ये हमें अवसर मिला है श्री रूप गोस्वामी जी के इस कार्यक्रम को मैं नारायण जी महाराज के लिए नमन करता हूं जिनकी वजह से आज सब आनंद है। सीमिर श्री भक्त वेदांत नारायण महोदयान युवाचार्य चतुर्ख्यातान भजे ज्ञानमीय संसदम हमारे भक्त वेदांत नारायण जी महाराज ने आश्रय दिया है और संभव है एसी वेदांत जी आपके पूर्व में गौड़ी मठ में भी विराजमान रहते थे अभय चरण जी महाराज और मुझे उनकी सन्निधि का भी आनंद मिला है और उनका जब से प्रेम हुआ महाराज भुजा पकड़े अभी तक मुझे कुछ न कुछ आनंद प्रदान करते ही हैं। मैं समय नहीं लूंगा। रूप गोस्वामी जी ने जो हमारे भारतवर्ष को दिया है वो और बहुत कठिन था। ये कौन था कि जिन्होंने ये कहा गोकुल में वृद्ध ब्राह्मण से सुन रहे अत्राधी किरणंद सर्व सगटस्यात्रा भवत संजनम। आइए ये देखिए यहां नंद बाबा का भवन था तो जो महाप्रभु जी ने आज्ञा की थी सब चीजों को संपूर्ण प्रकार के लाओ मिलाए। रूप गोस्वामी जी विलक्षण बुद्धि के थे, उनके ग्रंथों का तो घर देना ही क्या है, तो उन्हें प्रणाम करूं क्यों गाजी का दिवस है बस एक प्रणाम कर दिया और मैं विश्राम कर दूंगा थोड़ा सा बोल। सर्वज्ञं प्रथमं बभूव गुणवान् पुत्रो निरुद्धः ततः तत्पुत्रश्च कुमार देव विबुधः पुत्रत्रयानन्तरम् रूपेश्वर वनवनामजनकः पश्चान् मुकुन्दः प्रभुः ज्येष्ठ स्त्रील सनातन पुनरह स्त्रीरोग स्वामी उनके साथ उनके पूर्वजों को भी मैं प्रणाम करता हूं कि जिनके यहाँ सर्वज्ञ हुए सर्वज्ञ प्रथम बहुत गुणवान उनके अनुरुद्ध जी हुए उनके कुमार देव हुए उन्हें भी प्रणाम करता हुआ है। रूप जी परमनाभ जनक उनकी पंचा पश्चात मुकुंद प्रभु बड़े थे सनातन उनके दिनों में रूप गोस्वामी अनुपम अनुपम के वल्लभी नाम कहते थे कुछ लोग उनके जीव गोस्वामी जी हुए और सनातन प्रभु कितनी बड़ी बात विलक्षण बुद्धि थी रूप जी में। सनातन जी जेल में चले गए ऐसा लिखते हैं लोग कारागार में अब हम से रूप गोस्वामी निकाल लाए चलो और श्री रूप गोस्वामी जी ने सनातन जी ने वृंदावन में यहां स्थान बनाया। अभी पूर्व वक्ता ने कहा था मधुकरी नहीं मिलती थी तो मथुरा जाना पड़ता था और मथुरा से क्या चमत्कार हुआ।
रूप सनातन जी को एक भक्त आता है नौका में सवार होकर के और वे आए थे मथुरा से एक बालक को, बालक नहीं था, वो बालक नहीं था, बार बार प्रार्थना करने लगा मुझे ले चलो वृंदावन, मुझे ले चलो वृंदावन। वे आगे ठाकुर जी थे, ब्राह्मण बालक थे और भगवती अंश था उनका, नौका डूबती है और नाम क्या ले पाता है वो बालक, सनातन 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 भजो कहो तुम्हारा काम हो जाएगा। सनातन जी का नाम लेने से नाव डूबती हुई बच गई और जो धन दौलत था उसे देने लगा। सनातन जी ने मना कर दिया कि हमें ये धन नहीं चाहिए। वे शिष्य बन गए, ये चमत्कार मथुरा को दे आए, वो चमत्कार रूप जी ने गोकुल में दिया। वार्ता आती है उससे जीव गोस्वामी जी से तो वे नाराज ही हो गए थे, कह दिया सीधे चले जाओ। कोई वैष्णव मेरे पास आया और तुमने उसे शास्त्र चर्चा में मौन कर दिया। श्री रूप गोस्वामी जी को मैं इन अक्षरों से प्रणाम करता हूं। श्रीजीव रत्न प्रदा श्री चैतन्य महाप्रभु गुणमयी टीका करो भारती। जैसी टीकाएं जीव गोस्वामी जी ने भागवत की एक गजब है। वादे भक्त रसे बहुवन करा रूपस्य दानं महा। भक्त रस में जैसे हमारे पूर्व वक्ता जी ने बताया था कितना सुंदर इन्होंने विवेचन रूप गोस्वामी जी ने किया। सर्वानंद ब्रज प्रकाश रतां संस्तव निरूपो सवे। मैं इन रूप गोस्वामी जी के उस समय उनको प्रणाम करता हूँ। कृष्ण नाम प्रियं कृष्ण काव्य प्रियं कृष्ण नाम प्रियं कृष्ण काव्य प्रियं कृष्ण के प्रियं कृष्ण कुंज स्थितं कृष्ण कुंज प्रियं कृष्ण राधा प्रियं काल गर्वापहं कृष्ण राधा प्रियं काल गर्वापहं केशवं क्लेश संहारकं संभजे। ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी को जिन्होंने ये ज्ञान दिया तो मैंने मत छंद में लिखा है कि कम प्रचलित है दस अक्षर का। वृंदारण्ये ब्रजं भज हर पादं वृंदावन जाओ भगवान के चरण का भजन करो। वृंदारण्ये भज हर पादं सर्वं देश्यात् मुखर ब्रह्मा गीता शास्त्रे तरस गतिस्ते मतिस्ते राधा प्रेषा विहरत तत्र राधा भक्तो विचरत शांत भुक्त्वा पीत्वा भवति न मत्ता मारा हस्ता तिलक विकृष्टा राधे राधे वरत च भक्ता के और एक श्लोक है 32 तरह से पढ़ू घंटा और लगेगा। यानी उसी श्लोक को यानी एक श्लोक को 32 प्रकार से पढ़ लिया। राधे का पाले का रासना लाल सा उल्टा पढ़ लो लाल सा रासना पाले का मध्य का और दो अक्षर छोड़ के पढ़ लो रासना लाल सा पाले का मध्य का। इसे एक लाइन चलेंगे तो घंटा बन जाएगा।
तो ये मैं बंद करता हूँ, बस आपको दिखा दिया गुरु गोस्वामी जी ने लिखवा दिया मुझसे एक श्लोक और 32 श्लोक संख्या करने में तो हारेगा नहीं कोई। कहाँ पे आवे कामनी केशनी तारणी चारणी क्या पे आवे उल्टा पढ़ लो चारणी तारणी केशनी कामनी कहाँ पे आवे तारणी चारणी केशनी कामनी। एक एक शब्द को छोड़ दे जाओ बनाते तो 32 श्लोक बन जाएंगे एक मिनट। तो अगर बोलते हो कोई कह रहे एक श्लोक बोल दो घंटा होगा गया। सुंदरी सोस्तनी हारनी वस्त्रनी राधारानी वर्षणी हर्षणी राधिका रक्षमा वर्षणी हर्षणी राधिका रक्षमा। बोलिए श्री राधारानी की ब्रह्म में फूलो पुराण न वेदन में घूमने गया ब्रह्म का मिलेगा। अरे यही मेरा जहाँ बैठे हो ब्रह्म में फूलो पुराण वेदन भेद सुनो न कछो चायन और देखो सुनो न कहो के वह कैसो स्वरूप और कैसो स्वभाव। राधिका के चरण तो यही दबाए गए हैं। ऐसे उन राधा भक्त उनको प्रणाम करता हूँ क्यों उनकी वाणी में सरस्वती रूप गोस्वामी जी की भले भले पंडित क्षमा करें उनने जिस प्रकार की रचनाएं रची हैं कुछ कर नहीं सकता भाई वाला। हमारे यहाँ तो सूरदास जी ने ऐसी रचनाएं की जिन्हें कहते हैं सूर के कूट। ये शोभा ना अर्थ कर ही लेंगे आप लेकिन बहुत गड़बड़ है। ये शोभा का जो वर्ण न जाए ये शोभा का जो वर्ण न जाए तो ऊपर इनका नाम है कूट। नंद बाबा बोले आप तो लाला घर में डाकू डाल रहे हो चोरी कर रहे हो माखन दस सुख लियो पियो दस सुख में दस सुख माने मक्खन और वो दस सुख कौन चंद्रमुख वहां में धर रहे हैं। दस सुख लियो पियो दस सुख में और नंद देख मुस्काए नंद बाबा मुस्कुराए गए दस सुख सुख कही को तो कौन उदी सुख कमल दादे सुख और उनको सुख कौन कमल में से पैदा गए ब्रह्मा जी। ये अर्थ है दादे सुख सुख और वाहन कौन गयो हंस दादे सुख सुख वाहन को भक्षण कौन है वाहन हंस और हंस का खाए मोती और मोती का है भगवान की नाक में जो मोती लटक रहे हैं तो नाक कौन है तोता और भक्षण कौन को है हंस को। तो दस सुख सुख
रहा है कीर, कीर माने नाक, नाक माने नाक में लटक रहा है, अर्थ कर दिया हो जाए हंस खाए चाहे तोता खाए रहे हो, इसका नाम है कू। ऐसे ही ऊट संस्कृत में नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, थे पर रूप को स्वामी जी ने चरम तोड़, उनको देख करके बहुत लोगों में कूट श्लोक पर आए, है आजा फाट संगाटा गोटा जाटा ससत गया खाट पाट, माता कूटती हो खाट पाट विष्णु भगवान, खाट पाट सरोटाट सरस्वती, खाट पाट सरोटाट इत्यादि देवपान पवन सदा, ये द्वारी रक्षा करे को हया का है, फिर कौन चलते हैं सूर्य नारायण, इसलिए हया का माने चूहे, चूहे पे कौन बैठते हैं, गणेश जी है आटा पान सिंह आटा, और सिंह पे कौन बैठता है, देवी मैया है आटा पान सिंह आटा कोटा, गौ पे कौन बैठती है, भोला बाबा, आज आटा है हमारे प्रधानमंत्री जी समझे कि जाटा आ गया है, हमें बहुत खुशी है आपने जाटा भी बता दिया, संस्कृत नाम नहीं लूंगा, कोटा जाटा मानी जाट जाति नहीं है, अजाटा है माने कि वो आज पर कौन बैठता है, अग्नि है आटा पाठ संगाटा कोटा जाटा उस पर बैठने वाला अग्नि तुम्हारी रक्षा करे, सशक्त है और खाप पाप भी करे, हाँ खटपट करे, खेल करती दिखा ख माने आकाश, उस पर घूमने वाले कौन, पक्षी उनका मालिक कौन, राजा कौन, गरुड़, खाटक तो खाटक कौन हुआ, गरुड़ और खाटक अब गरुड़ पर कौन बैठती है, हरि विष्णु भगवान, खाट पाट अरे किसी से कहमत देना खाट पाट विष्णु भगवान की दर्शन कर जाओ गड़े का बोल, खाट पाट सरोकार सर माने तालाब, उसमें अब कौन चलता है, कमल और सर्व टाटा, ये मत कह देना टाटा तुम्हारा नाम आया है कार में कैसे कम कर देंगे, सर्व टाटा सर पे अच, तालाब में कौन चलता है, कमल, उस पर बैठती कौन है, सरस्वती सर्व टाटा, इत्यादि देवान को सदा ये तुम्हारे रक्षा करे, और रूप गोस्वामी को जरा देख लो, चलो रूप गोस्वामी जी का धन्यवाद, उनका खूब सुनो, जय जय दंडा प्रे कच खंडा ग्रत खंडा वेद शश खंडा स्वरण सपिंडा स्मृत व्रत गंडा प्रणय करंडा गजपत तुंड स्मर रस कुंड छत फण मुंड प्रतत पिचंडा सत जग दंड, है ना बढ़िया, वारे रूप गोस्वामी जी क्या वस्तु दे गए, कवियों को मार्ग दे गए, खूब ऐसे खूब बड़ा कितना बढ़िया भाव है, दंड प्रे डंडा प्यारा, हाँ वो गोस्वामी डंडा प्यारा है, तो भी आगे का तो देखो, दंड प्रे कच खंड कृथित शिखंड, अरे काल के बाल नोच करके भगवान कृष्ण ने वृंदावन में लगाए अपने बालों में, बाल बांध रहे थे ना तो बढ़िया रस्सी नहीं मिली थी उन्हें, तो दंड प्रे सबको दंड देने वाला कौन, जमराज कच खंड और जमराज के बाल फाटकारे, यहाँ देख नहीं चले चल वृंदावन है, दंड प्रे कच खंड ग्रसत से खंड, और उन बालों से उन्होंने अपने बाल बांध लिए, या मुझे वृंदावन को मारने या सो, दंड प्रे कच खंड ग्रसत से खंड ब्रज सच खंड, और ये ब्रज के चंद्रमा के चंद्रमा ठाकुर जी हमारे सपिंड स्मर रथ कुंड छत फाड़े मुंड, यही तो कालीनाथ में नाचे थे छत फाड़े मुंड पृथक चंड स्थित जग चंड, अर्थ करो तो करते रह जाओ बच्चों, यानी जिनके पेट में सारा ब्रह्मांड है वीर हमारे भगवान के, पृथक प्रचंड प्रचंड माने पेट, पृथक माने विस्तृत, पृथक प्रचंड स्थित जग चंड, उनमें जगत रूपी अंडा रखा है,
हमारे कृष्ण भगवान के पेट में कोई माता ब्राह्मण खाने की चर्चा पहले करती है ब्राह्मण तुंड वाली मुख ब्राह्मण के मुख से भगवान आरोपते ऐसे कूट बनाने वाले कोई भीगते हैं क्या मारे प्रसाद रूप गोस्वामी जी ने किया सनातन जी की रक्षा गोकुल का जाना मथुरा से रक्षा मधुगिरी को लाना वहां से बांधू ठाकुर जी को लाना दूजी नाग को बचा के वृंदावन में उसे लगाना और वृंदावन की लीला को विस्तृत करना फिर तो काव्यों के और शास्त्रों के निरंतर होते ही जाएंगे और हम लोग बकवास करते ही रहेंगे समय को खाते रहेंगे समय हो गया इसलिए अब यही विराम लेना अच्छा है रूप गोस्वामी जी आपने ऐसा बढ़िया सुंदर दिया है जो उसको हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते भूल नहीं सकते जो आपने भक्ति संबंध में दिया है किसी ने रमणीया प्रतिपादक शब्द काव्य बनाया तो किसी ने बाकी रसात्मकम काव्य बनाया आपने रस को जो स्थान दिया है आपने जो लीलाओं को स्थान दिया है हे रूप गोस्वामी जी हम आपको बारंबार नमन करते हैं प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेना चाहते हैं क्योंकि आपके पूर्वजों का नाम भी यहाँ ले लिया है हमने इस कारण से तो उन कहे तो हम आपको प्रणाम करें तो एक लाइन आप भी मेरे साथ बोलने को अच्छा हो जाए ये श्रीमान रूप गोस्वामी आप मैं बोलना पीछे की लाइन बोलना त्वदीयं वंदनं करो तब बोल सकते हो ना त्वदीयं वंदनं करो हम तुम्हारा वंदन करते हैं तो ये तो वैष्णव आयु की तिथि है आप मैं बोल लो हे श्रीमान रूप गोस्वामी त्वदीयं वंदनं करो महात्वदीयं देखो वे सुनेंगे यार वो जब महाराज ना जबरदस्ती बुला लिया है हे रूप गोस्वामी त्वदीयं वंदनं करो महात्वदीयं आपका भी बंधन चल रहा है अब तक सुनते ही सुनते थे दो तीन लाइन और एक और बोलो एक और बोलो हे सनातन प्रिय बंधु सनातन हे सनातन चेत हृदय बंधु त्वदीयं वंदनं कुर्मा त्वदीयं बड़े भाग्य से पाए हुए हमारे लिए भाग्य से मिलता है हमारे जब मिल जाता है तो अपने को भूल जाती है
कभी यही कराना चाहता था, ये फिर कभी करा दूं मैं, समय बहुत हो गया। और उनके श्लोक भी थे, वो लिखकर के भी लाया था भक्तिविनोद नारायण जी महाराज, परंतु समय के अभाव में ये घंटी बजाना उसके पहले के वक्त, तो इस कारण से मैंने ये भक्तिविनोद नारायण जी महाराज के श्लोक बनाए थे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जीवी हो और आपने जिस प्रकार से, मैं तो आज पढ़ रहा था ह्यूस्टन अमेरिका विदेश, जैसी वो आपने कथा लिखी है, वहां अरबों व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे। हमारे महाराज जी कौन से कब है, भक्तिविनोद नारायण जी महाराज, जिन्होंने विदेश जा करके हिला दिए और भगवान कि आज मुझे दोबारा बोलना पड़ रहा है, क्यों कि मैं एसी वेदांती जी को भी ये सुना चुका था, वे मुझको बहुत स्नेह करते थे। अभय चरण जी, मैं उन्हें भागवत जल्दी समय हमारा उनका पाठ होता था, इन्हीं के उस स्थल में मुझे बंगला में उन्होंने पात्र बंगला में सिखाए थे, मैं हिंदी सिखाता था, और वृंदावन में बन महाराज के स्थल में आकर के हमारा उनका भागवत पाठ चलता था। मेरी आंख खोल ली, मैंने कहा बन महाराज जी, उनका मैं प्रोफेसर हो गया है 1964 में, कि मैं तो एसी वेदांती जी को बताता हूँ, वो सुनते हैं दो दो हद और ज्यादा कर देते हैं, मेरे बस के लिए क्या मेरी परीक्षा लेंगे? बोले नहीं, तुम ही ब्रजवासी, तुम ही कृष्ण सखा, विदेश में जाएंगे इसलिए ब्रजवासी मुख भागवत श्रवण करेगा, कथा वाचेगा, ये बस समझना तू पंडित हो, क्यों कि उन्होंने जब मुझे पढ़ा बताया जगवा मन भूल ले जगवा सुदोत्य सोरे चतराज लक्ष्मी धर्मेश्वर वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। महाराज जी देखो की याद आ गई आज मुझे, अभय चरण जी के साथ मेरे बहुत महीना मुझे भागवत लगाने, और अमेरिका गए थे तो मैंने उनके कलेक्ट किया था, माला पहनाई थी, और जो हमारी बहन थी बन महाराज के कॉलेज की मेंबर, उससे टिकट काट दिया थी चेयरमैन साहब, और हमारी पाठक हम तीनों चंदा इकट्ठे करने को लगे थे, तो कुमार का आमंत्रण कर दिया था इनकी टिकट पर, आओ उन्होंने अर्थ बता दिया मुझे, वो अर्थ बता देता हूँ, चैतन्य महाप्रभु पर अर्थ किया था इस श्लोक का, जगवा असु दुष्टल प्राण से भी दुष्टल जगवा सुदुष्टल सुरेश देवता चाहते थे ऐसी राज्य लक्ष्मी को हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने छोड़ दिया, जगवा सुदुष्टल सुरेश तो राज्य लक्ष्मी, और धर्मिष्ठ आर्य वत्सा यदगार अरण्यम, आर्य की वाणी सुनकर जो अरण्य में गए जगन्नाथपुरी, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र, माया मृगम, ये मेरी समझ में नहीं आया, मैंने बहुत पंडितों से पूछताछ की, उस समय नहीं लगा, माया मृगम दैत्य से तो मन को धावत, और जो माया मृग के पीछे भजे दैता के कारण, वंदे महापुरुष दे चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष जी को प्रणाम, मैं मेरी खोपड़ी में नहीं बैठा। बोले सुनो, क्यों नहीं बैठा? माया मृग्यते, माया मृगा, माया जैसे पकड़ने को बोल रही है, हम तुम सब पकड़े जा रहे हैं माया, माया मृग कौन है? जीवात्मा, माया मृगम। तो मैंने कहा स्वामी जी दैत्य सिद्धि तो है, बोले जरा मौन रहो,
दयाया भाव दई तत् भाव दया दय दया, जिन्होंने दया पूर्वक ये कहा हरदार तुम आओ 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 दय दया। सीता ने जबकि जमुना स्कंद का प्राय करके ये अर्थ है कि माया के प्रकोप दय दया सीता जी के कारण बुलाए और मुझे आपके यहाँ गौड़ी जो मथुरा में है वहां मुझे ये अर्थ मिला था दय दया दयाया भाव दई दस्य भाव दया दय दया दया में जिन्होंने जीवात्माओं का उद्धार किया। माया मृगम जीवात्मा को दय दया दया भाव करके माया मृगम दय से मन मधावत पीछे दौड़ते रहे जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने बताए और मैंने इसके श्रीमद् भागवत जी में राग पंचाध्याय भी अलग से एक अध्याय लिख दिया गोपी गीत का और रूप गोस्वामी जी की प्रेरणा से मैंने 7 श्लोकों को पद्मवत नागवत जब रचक बिहारी जोशी जी ने लिखे थे मैंने और संचय किए और उन्हीं को अब छपा रहा हूँ। इसलिए महाराज के आशीर्वचन मिलूंगा और वे कठिन श्लोक जो थे जो रूप गोस्वामी जी हमें दे गए थे उनको लेकर के मैंने और आज्ञा ली। आज्ञा में उन्होंने कहा हाँ आप कर सकते हैं तो करिए। तो मैंने जन्मादित्य यतोन्मयादित्रदश्चार्थेश्वयंदत्वराग बल्लवाचार्य परक बल्लवाचार्य महाकाव्य मैंने लिखा है ये अर्थ कर दिया। कृष्ण शंकर शास्त्री जी वगैरह ने अनुमोदन कर दिया तो मैं रूप गोस्वामी जी से दिन रात चिंता और दिन रात संस्कृत के श्लोकों का उनसे दान मांगता रहता हूँ और बताओ और बताओ और बताओ। अभी आती है कुछ मुझे बता जाती है ऐसे रूप गोस्वामी को प्रणाम करता हुआ आपका बहुत समय लिया है क्षमा मांगता हूँ। मैं वृद्धों को मैंने इस समय समय ले लिया इन शब्दों के साथ आपकी कृपा तो है ही है। भागवत पत्रिका में पढ़ के आया विदेश उठा दिया तो आज मुझे ऋषि मिलांती जी की बात याद आती है जो उन्होंने जब उठाया था आज के युग में अपना सब करते है आपने भगवत नाम को समग्र विश्व में फैला दिया। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे